हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासिद और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आप फेसबुक ऐप यूज़ करते हैं तो फेसबुक ऐप के अंदर ये ऊपर देख सकते हैं एक शॉर्टकट बार है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आइकन है, जैसे होम का आइकन है, ग्रुप्स का आइकन है, वीडियो वॉच का आइकन है, फ्रेंड्स का है, प्रोफाइल का है, ये नोटिफिकेशन का है, थ्री लाइन्स हैं। तो इन आइकन्स में से अगर कोई आपका आइकन नहीं है या इन आइकन में से कोई आइकन आप हटाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर जो शॉर्टकट बार है, इसमें अगर कोई आइकन मिसिंग है या आप खुद किसी आइकन को हटाना चाहते हैं तो कैसे वो कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, आपने क्या करना, प्रोफाइल के अंदर फेसबुक ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं थ्री लाइन्स बनी, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आप देख सकते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखें शॉर्टकट्स वाला ऑप्शन है, आपने शॉर्टकट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं शॉर्टकट बार, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप्स का है, ये वॉच का है, प्रोफाइल का है। अगर आप इनमें से किसी को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दें तो वो हट जाएगा, और अगर आप किसी को लगाना चाहते हैं वहाँ पर तो इसको सभी को आपने जो वो अनेबल कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रोफाइल हटा दी, तो यहाँ पर मैं बैक जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें दरमियान में प्रोफाइल वाला आइकन था, वो ख़त्म हो गया। तो आप दोबारा उसको लाना चाहते हैं, दोबारा आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोबारा शॉर्टकट्स में जाना है, यहाँ पर शॉर्टकट बार में जाना है और इसको यहाँ से अनेबल कर देना है, तो दोबारा आपके वहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अक्सर कोई जो शॉर्टकट बार है, इसमें कोई आइकन मिसिंग होता है तो यहाँ से आपने डिसेबल किया होता है, तो यहाँ से आपने उसको जो वो अनेबल कर देना है। ठीक हो गया। जैसे अब मैंने दोबारा इसको अनेबल कर दिया, वो सही तरीके से अनेबल नहीं हुआ था, तो अब वहाँ पर दोबारा जो है प्रोफाइल वाला आइकन मौजूद होगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन डॉट्स, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको ये जो बाकी आइकन्स हैं, जैसे ग्रुप्स का है, वॉच का है, प्रोफाइल का है, मेन्यू का है, ये भी यहाँ से आप डिसेबल और अनेबल कर सकते हैं। ऊपर तकरीबन 6-7 जो है वो आइकन्स मौजूद होते हैं शॉर्टकट बार में, तो उनमें से अगर किसी को डिसेबल करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, यहाँ से जो वो कर सकते हैं। और अगर इसमें इस जगह पर आपके पास जो है वो ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, ना ही ऊपर शॉर्टकट बार में ये ऑप्शन मौजूद है, तो आपने क्या करना है फिर कि एक इसका और सोल्यूशन है, वो ये कि आपने जो कंप्लेन है वो करनी है। वो कैसे, आपने क्या करना है, थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करना है, उसके बाद इंक्लूड इन रिपोर्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपको मसला आ रहा है, जैसे कि अगर आपके पास वॉच आइकन वॉच वीडियो वाला आइकन मौजूद नहीं है तो आपने वॉच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये जो मसला आ रहा है वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो वॉच वीडियो वाला आइकन मौजूद नहीं है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने डिटेल से लिख लेना है कि जो ऊपर शॉर्टकट बार है उसमें जो वीडियो वॉच वाला आइकन मौजूद नहीं है, फेसबुक टीम को आपने बताना है और उन्हें आपने बोलना है कि वो ऐड कर दें, तो वो 24 घंटे के अंदर आपका ये मसला जो है वो हल कर देंगे। जब भी आप रिपोर्ट सेंड कर देंगे तो आपका मसला जो वो हल हो जाएगा। खैर, ये पहले आपने वहाँ पर देख लेना, वहाँ से अगर इन्हें वहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर आपने ये रिपोर्ट करनी है, अगर मौजूद है तो आपने अनेबल या डिसेबल कर लेना, जो भी आपकी मर्जी। अगर आप डालना चाहते हैं वहाँ पर शॉर्टकट बार में कोई आइकन तो अनेबल कर देना, अगर नहीं डालना चाहते तो उसको जो वो डिसेबल कर देना है। तो इस तरह आप इस मसले को जब वो हल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।